الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين तल्लाब अज़ीज़ इल्मे कलाम के अंदर हमारे ज़ेर नज़र मबाहिसे आदल हैं आजकल मबाहिसे आदल आदल का मौज़ू आजकल हमारे ज़ेर नज़र हैं तो इस सिलसिले में हमने इशाइरा यानी अशअरियों के अकायद पर एक तायराना नज़र डाल दी एक सरसरी नज़र डाल दी और गुज़श्ता दिन हमने मोतज़िला के बारे में भी जुज़वी तौर पर चंद एक बातें बता दी और उसमें हमने बताया कि मोतज़िला का जो सरगना है जो कि इस मकतब फिक्र का सालार है इसका लीडर है उसका नाम है वासिल बिन आता। हमने कहा कि इमामिया के साथ यानी जाफरी मसलक के साथ ये मुत्तहिद हैं मुश्तरक हैं इस बात पे कि जो तमाम तकवीनी उमूर हैं और तशरीय उमूर हैं अफ़ाले इलाही इन दोनों मैदानों में मबनी बर अदल है अदल बुनियाद है और सिफाती इलाही में भी अदल को एक बुनियादी उसूल के तौर पर दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट दोनों मकतब फिक्र यानी मोतज़िला भी और जाफरी मसलक भी एक साथ मुत्तहिद हैं मुत्तफिक हैं कि अदल इलाही सिफात में एक बुनियादी असल के तौर पर मुतहक्किक है। तो आगे एक और नुक्ता और नुक्ता यह है इन मोतज़िला के बारे में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अफ़ाल इलाही जैसे भी हूं तो उसी को अदल कहा जाएगा ज़्यादती हो तो उसको भी अदल ही कहा जाएगा और अदल हो तो अदल ही होगा ऐसा नहीं है। ये कहते हैं जिस तरह इंसानों के अफ़ाल के सिलसिले में जो बेसिस है जो मेयार है जो पैमाना है वो पैमाना है अफ़ाल का हुस्न क़ुब हुस्न हुस्न अच्छाई कोई अमल है वो अच्छा है हसीन है अच्छा है गुडनेस गुडनेस जो है कोई अमल गुडनेस की बुनियाद पर होगा या कोई अमल बद होगा ख़राब होगा कोब हुस्न और कोब गुडनेस एंड बैडनेस जो अमल अच्छा होगा तो वो बुनियाद बनेगा जो असल बुरा होगा वो भी बुनियाद बनेगा हुस्न अदल की बुनियाद होगा और कुब जुल्म की बुनियाद होगा यह हुस्न अदल की बुनियाद होगा जब हमें फैसला करना होगा इस शख्स का ये काम क्या अदल के मुताबिक है या नहीं तो वो काम हुस्न के पैमाने पर तोला जाएगा आया वो काम अच्छा है वेदर इट इज़ गुड और नॉट और अगर जुल्म कहलाया जाएगा तो तब कहलाया जाएगा जब उसमें कुब हो यानी कोई खामी हो कोई ख़राबी हो
तो उसे जुल्म कहा जाएगा। तो गोया इंसानों के बारे में जिस तरह बुनियादी मेयार, बुनियादी मकयास, बुनियादी पैमाना, जिस पैमाने की बुनियाद पर हम कह सकते हैं काम कैसा है, अदल वाला काम है या जुल्म वाला काम है, बुरा काम है या अच्छा काम है, तो ये पैमाना हम इस्तेमाल करते हैं हुस्न व कुर्बु का पैमाना। अदल हमेशा हसीन होता है, जुल्म हमेशा कभी होता है, बुरा होता है। तो ये पैमाना जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं अफ़ाल इंसानी में, इंसानों के अफ़ाल को तोलने के अंदर, इसी तरह अल्लाह के जो अफ़ाल हैं उनको भी इसी पैमाने पर तोला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह के सब पैमाने हुस्न पर यानी मबनी होंगे, कुब पर कोई पैमाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अफ़ाल जो हैं अफ़ाल इलाही की हमेशा बुनियाद जो होती है वो दो चीज़ें होती हैं, एक हिकमत यानी दानाई। हर काम अल्लाह का दानाई पर मबनी होता है, हिकमत पर मबनी होता है, और दूसरी हिकमत और मसलहत। जब तक इंसान की समझ में आए तब तक मुमकिन है टाइम गुजर चुका हो, लेकिन आखिर पर पता चलता है जो काम हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन आखिर पर मसलहत उसी में होती है, आखिर पर साबित होता है कि यही काम सही था। हालांकि हम कभी वो चीज़ चाहते हैं जिसमें नुकसान होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आय शरीफ हमें है वा असा और मुमकिन है क्या मुमकिन है आन तोहिबू शायन, क्या इंसानों मुमकिन है कि आप किसी काम के बारे में महसूस करते यही अच्छा है मेरे लिए, तोहिबू आपको मोहब्बत है किसी काम के साथ, वा असा आन तोहिबू शायन किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी शाय को उसके साथ आपकी मोहब्बत होती है, आपको वही अच्छा लगता है। वासा अन तुहिब्बु शायन वहुवा कुरहुन लकुम, लेकिन वो आपके लिए क्या होगा, कुरहुन कभी होगा, वहुवा कुरहुन लकुम और आपके लिए वो बुरा होगा, कभी होगा असल में, हालांकि आपको अच्छा लगेगा। ऐसा मुमकिन है अन तुहिब्बु शायन कि आप किसी चीज़ को पसंद करते होंगे, किसी चीज़ कोई चीज़ आपको महबूब होगी, लेकिन वह हुआ कुरहुल्लकुम और वो चीज़ जो होगी वह असल में आपके लिए ख़राब होगा, बुरा होगा। वह ऐसा और इसके मुकाबले में क्या है, वह ऐसा मुमकिन है आन तक रहू शायन किसी चीज़ को आप, किसी बात को आप नापसंद करते हैं, तक रहू आप नापसंद करते हैं किसी चीज़ को, शायन किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, वह हुआ खैरुल लकुम और हकीकत यह होगी कि आखिर में आपको पता चलेगा कि वही मेरे लिए अच्छा था, वह खैरुल लकुम और वही चीज़ आपके लिए अच्छी निकलेगी। ऐसा मुमकिन है जो चीज़ इंसान अपने लिए पसंद करता है वो कभी उसके अंजाम के लिहाज से, नताइज के लिहाज से वो इंसान के लिए ठीक नहीं होता, और जो चीज़ को अपने लिए ठीक नहीं लगता कभी उसी में ही अच्छाई आखिर पर निकल आती है। वल्लाहु यालमु, असल में कौन जानने वाला है, आप नहीं जानते हैं कुछ, वल्लाहु यालमु असल में अल्लाह ताला ही जानता है कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ बुरी है बंदों के लिए। वल्लाहु यालमु व अंतुम और आप जो हैं आप लोग ला तालमून नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि जो कुछ पेश आने वाला है उसके नताइश आप नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं। लिहाजा अल्लाह को ही पता है कि मेरे बंदे के लिए या मेरे बंदों के लिए कौन सी चीज़ ठीक है। इंसान सरसरी तौर पर फैसला लेते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं हो उसी को पसंद करते हैं कभी कभी, और जो चीज़ उनके लिए ठीक हो उसको नापसंद करते हैं। तो असल में अल्लाह ही जानता है कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ बुरी है इंसानों के लिए, इसी को हम कहते हैं
मसलहत व हिकमत, दानाई का काम मसलहत किस चीज़ में है ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते हैं। तो ये लोग जो हैं मोतज़िला और हम भी इसमें मुश्तरक हैं, हम दोनों क्या कहते हैं, कहते हैं कि अदल को पैमाना जाए, ये तोला जाए, नापा जाए हुस्न कुबह के पैमानों पर, दो पैमाने, हुस्न का पैमाना, कुबह का पैमाना, अच्छाई का पैमाना, बुराई का पैमाना। और पैमाने जब लगाएंगे, अच्छा काम होगा उसका मतलब है आदिल है, बुरा काम आप करेंगे उसका मतलब है आप आदिल नहीं, आप जालिम है। तो जो अच्छा काम करेगा, जो सही काम करेगा वो आदिल है, जो बुरा काम करेगा वो जालिम है। तो जिस तरह इंसानों के आमाल, इंसानों के काम तोले जाते हैं इस बुनियाद पर कि क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हसीन हैं या कभी हैं, तो इन चीज़ों पर तोला जाता है। इसी तरह अल्लाह के अफ़ाल भी इन्हीं दो पैमानों पर तोले जा सकते हैं, और हमें पता चलेगा उनमें हमेशा एक हिकमत होती है और मसलहत होती है, इसलिए वो ऐन अदल होते हैं। अल्लाह के काम सब के सब ऐन अदल हैं, कहीं भी एक शायबा भी एक ज़रा भी उनमें जुल्म पाया नहीं जाता है। जुल्म से अल्लाह ने बेजारी जाहिर की है, बेजारी जाहिर की है, यानी नापसंद किया है जुल्म को, डिसओन किया है जुल्म को कई एक जगह पर। तो उसके लिए हम दो तीन आयत शरीफा बता देंगे, लेकिन पहले एक तारीफ़ अदल की क्या होगी। तो कहा जाता रहा है, कहा जाता है कि जब हम कहते हैं अल्लाह आदिल है, इसके मायने क्या है, अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल है, इसके मायने क्या है। जब हम पढ़ते हैं अदल का उनवान और मतलब है अल्लाह की एक सिफत यह है कि वो आदिल है, तो लेकिन इस कहने के अल्लाह आदिल है इसके मायने क्या है। तो इसके मायने हैं ये कि वो कोई काम नहीं करता है जो कि हिकमत और मसलहत के खिलाफ हो, मसावी, यानी अल्लाह आदिल के मायने मसावी ये हैं कि अल्लाह कोई काम मसलहत और हिकमत, दानाई, हिकमत के खिलाफ नहीं करता है। अल्लाह कोई काम मसलहत और हिकमत के खिलाफ नहीं करता, यही है इस जुमले का मतलब जब हम कहते हैं अल्लाह आदिल है। तो इमाम जाफर सादिक एक जुमला फरमाते हैं, उससे भी इस आदिल होने की डेफिनेशन हमें मिल जाती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इनका फरमाना क्या है, कहते हैं यानी अल्लाह आदिल है, यानी ये कि अल्लाह आदिल, इसके मायने क्या है जनाब। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं यानी खुदा की तरफ किसी ऐसे अमर की, किसी ऐसी बात की निस्बत न दी जाए, कभी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमर, कोई ऐसा काम कि अगर वही यानी वो अमर, वो काम अगर वही हमसे सरजद हो जाए, हम यानी इंसानों से, हमसे सरजद हो जाए, हम वो काम करें तो बाई से मलामत हो, तो बाई से यानी उसकी बिना पर हमारी मलामत की जाएगी, हर कोई कहेगा क्या हो गया, ये बहुत गलत काम किया, बाई से मलामत हो। हम अगर कोई ऐसा काम करेंगे
और हम हर कोई हमारा लानतन करेगा, मलामत हमारी करेगा, मजम्मत करेगा। जिस काम की मजम्मत की जाए वो इंसानों के बारे में किया जा सके, लेकिन ऐसे अमर की नस्बत कभी अल्लाह के दात अल्लाह की तरफ नहीं दी जा सकती। इसी का नाम है आदल। और ये किफायतुल किताब का नाम है किफायतुल मुवाहिदीन, किताब का नाम किफायतुल मुवाहिदीन। इस किताब में से ये बात ली गई है, किफायतुल मुवाहिदीन किताब में से ये सादा लफ्ज में अदल इलाही की तारीफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान की है। समझ रहे कि नहीं? तो लिहाजा यहाँ तक हम पहुँच गए तारीफ करने में, अदल किस चीज़ को कहते हैं, अदल इलाही क्या होता है, और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमेशा अल्लाह का हर कोई काम अदल की बुनियाद पर होगा, हुस्न की बुनियाद पर होगा, कुव्वत की बुनियाद पर कोई काम अल्लाह से सरज़द नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह जालिम नहीं हो सकता, अल्लाह सिर्फ आदिल हो सकता है। जालिम अगर होगा तो इंसान होगा, गैरुल्लाह हो सकता है, लेकिन अल्लाह जालिम नहीं हो सकता, अल्लाह के हाथों जुल्म सरज़द नहीं हो सकता है। इस बारे में दो आय शरीफा एक जैसी तकरीबन अल्फाज एक जैसे, पहली आयत अल्लाह फरमाते हैं قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم नंबर एक फमा खाना नहीं हो सकता है, फमा खान अल्लाह हो अल्लाह के लिए नहीं हो सकता है क्या चीज, फमा खान अल्लाह हो यज़लिमुहुम कि वो उन पर जुल्म करे, किन पर, बंदों पर, फमा कान अल्लाहु ले यज़लिमुहुम हुम मैंने बंदे वलाकिन कानू ये लोग जो है ये इंसान जो है वो सब के सब कानू काना वाहिद कानू जमा वलाकिन कानू ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं कानू अनफुसहुम ये अपने नफ्सों को क्या करते हैं यज़लिमून जुल्म करते हैं अपने नफ्सों पर वलाकिन कानू लेकिन ये लोग अपने नफ्सों पर अनफुसहुम यज़लिमून जुल्म करते हैं। और ये है सूरह अर्रूम अर्रूम की आयत नंबर 9 अर्रूम की आयत नंबर 9 ये है कि फमा नहीं पास नहीं कान अल्लाहु लियज़लिमुहुम अल्लाह जुल्म करते हैं नहीं अल्लाह जुल्म करते वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन ये लोग खुद ब खुद अपने अनफुस अपने आप पर अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। ये एक यानी जुल्म से अल्लाह ने अपने आप को बरी किया, अलाहदगी अख्तियार की, नफ़ी की अपनी ज़ात से, जुल्म की नफ़ी की। दूसरी आयत बिल्कुल ऐसी, थोड़ा सा फ़र्क, वमा अल्फाज का फ़र्क, बात एक ही, वमा ज़लमहुमुल्लाह और जुल्म नहीं किया किसने, अल्लाह ने, वमा ज़लमहुमुल्लाह अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बाकी यही है, वलाकिन कानू वो करते थे, कानू करते थे अनफुसहुम अपनी नफ्सों पर अपनी नफ्सों के साथ अनफुसहुम यज़लिमून अपनी नफ्सों पर जुल्म करते थे। इसी तरह सूरह अन्निहल इसकी आयत नंबर 33
आयत नंबर 33, पहली रूम में से आयत नंबर 9 और दूसरी सूरह अन्नहल से आयत नंबर 33, इन दोनों सूरतों में, इन दोनों आयत में अल्लाह का क्या कहना है कि वो अपनी ज़ात से, अल्लाह अपनी ज़ात से जुल्म की नफी करता है। कतई काबिल कबूल नहीं है, कतई नाकाबिल कबूल है कि अल्लाह किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी कोई जुल्म का काम करेगा इंसान के साथ। ठीक है ना। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये अदल के उलट कैसे काम होता है, किस बुनियाद पर होता है? ये एक अहम सवाल है। अगर अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसान जुल्म करते, क्यों करते? कोई बात होगी जो कि इंसानों में हो सकती, अल्लाह में नहीं हो सकती, वो बात समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चलेगा कि इंसान क्यों अपने ऊपर जुल्म करते हैं और अल्लाह अपने ऊपर, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। कौन सी बुनियादी वजह है, फ़र्क कौन सा है? तो जब उलमा ने कोशिश की पता लगाने की कि ये जुल्म आदमी क्यों करता है, किस बुनियाद पर करता है, अदल के उलट वो क्यों चलता है, तो पता चला कि कुछ बातें हैं उन बातों की बुनियाद पर इंसान जुल्म का बेड़ा उठाता है। उसमें कौन कौन सा काम है? नंबर एक, इख्तलाफ होता है कभी इंसानों के दरमियान सलूक और अमल में, सलूक यानी बिहेवियर के अंदर, सलूक और अमल हमेशा जुल्म होता है, सलूक और अमल में अक्सर। अकायद में जो जुल्म इंसान अपने ऊपर करता है वो नासमझी का होता है, लिहाजा वो भी इसमें आएगा। सलूक और अमल की बुनियाद पर, सलूक और अमल में जो भी जुल्म होगा, जो भी फसाद होगा, जो भी खराबी होगी, जो भी कुबा होगा, वो क्यों होगा? या तो इख्तलाफ वजह होती है, दो आदमी में इख्तलाफ होता है तो एक दूसरे पर जुल्म करता है, जैसे हाबिल और काबिल का, हाबिल को और काबिल में इख्तलाफ पैदा हो गया। क्यों पैदा हो गया? क्योंकि हसद था, आगे आएगा, और इख्तलाफ इस वजह से कि एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, दूसरे की कबूल नहीं की। तो एक वजह है इख्तलाफ। दूसरी वजह है तफावुत। बुनियादी तौर पर लोग एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तफावुत। तफावुत मतलब है डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है इंसानों के अंदर। इस बुनियाद पर साइकोलॉजी का एक अलग फील्ड ही पैदा हो, तैयार हो गया, उसे हम डिफरेंशियल साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कोई दो आदमी दुनिया में एक जैसे नहीं है, तफावुत है, और चूंकि तफावुत है, इस तफावुत की बुनियाद पर जो ज़्यादा ताकतवर है वह कभी कभी गुमराह होकर कमज़ोर के ऊपर जुल्म करते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तफावुत, अगर तफावुत नहीं होता कोई किसी के साथ जुल्म नहीं करता। ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह क्या है? वो है जहालत और ना आगही। जहालत, हम जाहिल हैं किस चीज़ से जुल्म का नतीजा क्या निकलेगा इस बात से, और अदल का नतीजा क्या निकलेगा इस बात से भी जाहिल होते हैं, ना आगाह होते हैं। जहालत व ना आगही, ना आगही या आगाही, आगाह नहीं होते हैं, ना आगाही। और उसके बाद ज़रूरत होती है, कभी कभी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे पर जुल्म करता है। ये एक और वजह हो सकती है, ज़रूरत। ज़रूरत होती है किसी, कोई आदमी महसूस करता है मुझे ज़रूरत है मिसाल के तौर पर लोगों पर अपना गलबा कायम करने के लिए, लोगों को अपने इख्तदार में दबा के रखने के लिए, ये उनको ज़रूरत महसूस होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत हमेशा सही हो, वाजिबी ज़रूरत हो, कभी गैर वाजिबी ज़रूरत इंसान के अंदर पैदा होती है। तो ये एक वजह है। और तीसरी चीज़ कीना, कीना कभी पैदा होता है किसी आदमी के साथ, कीना, और कीना के साथ कीना हो अदावत,
अदावत पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। और ये अदावत दुश्मनी ये भी बुनियाद बनती है किस चीज़ की, जुल्म करने की। और अहम आखिर में एक अहम चीज़ और वो है हसद। जैसे शैतान को आदम से हसद पैदा हो गया कि मैंने इतने सालों अल्लाह की इबादत की, 6,000 साल इबादत की, और आदम तो अभी पैदा भी नहीं हुआ कि मुझे अल्लाह कहता है इसका सजदा करो, हसद उसको पैदा हो गया। हसद की बुनियाद पर बाद में तकबर उसने किया, तकबर रैशनलाइजेशन, असल चीज़ हसद थी। तो ये सब के सब चीज़ें जो है, ये के सब जुल्म की बुनियाद है, जुल्म की बुनियाद है। और ये जुल्म की बुनियाद जब जब कि ये सब के सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आप देखेंगे, ये सब की सब चीज़ें नुक्स हैं, नकाइस हैं, ये ऐब हैं। जिस इंसान में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये ऐब हैं। जब वो आदमी, उसको हम कहेंगे आपको हसद है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता मुझे कोई कहेगा हसद है, हालांकि उसको हसद होती है, यानी ऐब है, इसलिए आदमी पसंद नहीं करता। ये ऐब जो है, इन ऐब की बुनियाद पर जुल्म होता है। और आपको मालूम है कि अल्लाह क्या है, सुबहान है। सुबहान ये है कि हर ऐब से पाक है। तो चूंकि अल्लाह हर ऐब से पाक है, इन तमाम चीज़ों से पाक है, इसीलिए अल्लाह के हाथों जुल्म सरजद नहीं होता, बल्कि हमेशा हर वक्त अदल ही अदल होता है, हिकमत ही हिकमत होती है और मसलहत ही मसलहत होती है। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।